राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट जारी है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमण के कुल 570 केस सामने आए हैं। वहीं कोरोना के 4 मरीजों की मौत हुई है। राष्ट्रीय राजधानी में अब कोरोना के 2545 एक्टिव केस हैं। रविवार शाम को जारी स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 54,614 संदिग्धों के सैंपल कलेक्ट किए गए हैं, जिनमें से 570 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना पॉजिटिविटी रेट घटकर 1.03% रह गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 730 मरीज कोरोना को हराकर ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दिल्ली में होम आइसोलेशन में कुल 1,742 कोरोना के मरीज हैं, जबकि अलग अलग अस्पतालों में कोरोना के कुल 226 मरीज भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है। इससे पहले शनिवार को दिल्ली में कोरोना के कुल 635 केस सामने आए थे, जबकि कोरोना से 2 मरीजों की मौत हुई थी। दिल्ली में कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा अब 26,101 पहुंच गया है। शनिवार को 791 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के मामले जनवरी महीने में तेजी से बढ़ रहे थे। न सिर्फ नए मामलों की संख्या में इजाफा हो रहा था, बल्कि कोरोना से मौतें भी बढ़ रही थीं। जनवरी में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 750 मौतें हुई थीं, लेकिन फरवरी में संक्रमण के मामले में लगातार कमी देखी जा रही है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।